हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 9 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन की स्टडी करवा दी थी, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज आप पढ़ रहे थे और उसमें आपने कल 17 तक के जो क्वेश्चन थे उनकी स्टडी आपने की थी। आज देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया गया है। इसमें लिखा है कि प्रूव करना आपको कि कोई राइट एंगल ट्रेंगल एओबी में जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट सी है वो वेर्टिक्स एज ओ ए और बी से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, ये आपको दिखाना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक आपको राइट एंगल ट्रेंगल लेना पड़ेगा। अब देखो, राइट एंगल ट्रेंगल आप पता है कि यहाँ पर 90 एंगल बनता है, ये मैंने वो मान लिया है, यहाँ पर मैंने पॉइंट ए मान लिया है और यहाँ पर मैंने पॉइंट बी मान लिया है। अब देखिए, जो ये आपके पास ट्रेंगल बन रहा है ना ओ ए बी, वो क्या एक राइट एंगल ट्रेंगल है, और आप यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ले रहे हो आप सी, सी क्या इसका मिड पॉइंट है। अब इसमें आपको प्रूव करना है, पहले आप इस ओ को सी से ज्वाइन कर दो ऐसे कि अब जो सी पॉइंट है उसकी ए बी और ओ तीनों से डिस्टेंस क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। ये आपको इस प्रश्न में क्या करना है, क्यों मतलब प्रूव आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपने ये ट्रेंगल ओ ए बी माना है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट देखिए, ओ के दो के 0 0, क्यों ओरिजिन है यहाँ पर, ए पॉइंट पर वाई का मान 0 होता है, तो इसको एक बार आपने 2a,0 मान लिया है और इसको आपने 0,2b मान लिया है। तो शुरुआत में आपको पहले ऐसे लिखना है, मतलब प्रूव करना, पहले वो देखिए आप, आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि जो ओ सी डिस्टेंस है वो सी बी के और सी ए दोनों की आएगी, इक्वल आएगी। अब इसका प्रूफ देख लो पहले एक बार आप, मान लेंगे आप लेट ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, ये आपने एक बार राइट एंगल ट्रेंगल मान लिया इसको। अब जब ये राइट एंगल ट्रेंगल है और इसमें साथ में लिख दो इन विच, जिसमें ओ तो क्या आपका ओ तो आ रहा है इसमें 0 0 और ए इसमें आ रहा है 2a,0, आप यहाँ पर इसको 2a,0 भी मान सकते हो, इसको आप 1,0 मानेंगे तो भी आपका गलत नहीं है, ओके। और बी जो पॉइंट है मेरे पास वो है 0,2b। अब देखिए हमें इसमें करना क्या है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये मिड पॉइंट सी है उसके हमें निकालने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट। तो पहले मैंने क्या लिख दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट एस सॉरी मिड पॉइंट सी, मिड पॉइंट सी। तो देखिए, मिड पॉइंट का रूल आपने पढ़ रखा है, एक्स तो होता है x1 + x2/2 एंड वाई इज y1 + y2/2। हेयर x1 y1 एंड x2 y2, सो वी हैव राइट 2a + 0.2 एंड 0 + 2b/2, सो x = 2a/2 y = 2b/2, सो वी हैव राइट x = a एंड y = b। अर्थात जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास सी इज ए एंड बी आ गए, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इसके कोऑर्डिनेट क्या, ए एंड बी। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिए, ये जो मिड पॉइंट था सी उसके आपने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब देखो, आपको तीनों तरफ ही डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले मैंने लिखा डिस्टेंस, सी भी लिखा हूँ पहले मैं एक बार, और देखो डिस्टेंस का रूल होता है आपका x2 - x1 2 - y1 2। अब देखो सी बी की बात कर रहे हो आप, सी बी x1 y1 x2 y2, तो मान आपके पास आएगा 0 - a² + 2b - p². अब ये तो आएगा -a² और ये +b²
ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। तो ये तो आपने सी बी को है वो प्राप्त आपने कर लिया है। अब देखिए दूसरी बात, इसी तरह आपको ये सी ओ भी फाइंड करना है। सी ओ इक्वल, तो भाई देखो डिस्टेंस वाला आपने रूल का में लिया, ये एक्स वन आई वन ये एक्स टू आई टू, तो आएगा जीरो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा माइनस ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, और सोल्व करने पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपने कौन सी डिस्टेंस प्राप्त कर ली है, सी ओ डिस्टेंस, जो कितनी आ रही है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स आपको प्राप्त हो रही है। इसी तरह जो अपनी थर्ड डिस्टेंस है यानी सी ए है, उस सी ए को भी फाइंड करेंगे। तो देखिए जब आप ये सी ए डिस्टेंस फाइंड करोगे तो लिखा आपने डिस्टेंस सी ए बराबर, वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला काम आएगा, यानी टू ए माइनस ए होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करने पर आएगा, यहाँ पर तो ए बचेगा ना, ए का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर, और मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है यूनिट्स। तो ये देखो आपने डिस्टेंस सी बी भी प्राप्त कर लिए, सॉरी सी ए भी प्राप्त कर लिए। तो एक बार देख लो आप सी बी सी ओ और जो सी ए, देखो तीनों के तीनों डिस्टेंस का आपको मान क्या मिल रहा है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स आपको प्राप्त हो रहा है। और इस क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था कि जो तीनों डिस्टेंस आपकी है वो बिल्कुल क्या आएगी, इक्वल आएगी, ये आपको दिखाना था। तो लिखोगे आप हेयर सी बी इक्वल सी ओ इक्वल सी ए इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स आ रही है। अभी तीनों सेम आने का मतलब क्या हुआ, सो पॉइंट सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी ओ एंड ए, यानी तीनों पॉइंट क्या ये समान दूरी पर स्थित है। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ये तो था हमारा कौन सा क्वेश्चन, जो 18 का था वो मैंने आपको अभी करके बताया है। इसी श्रृंखला में आप जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसको देखिए, आप 19 में आपको क्या करना है। तो देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं अभी, तो देखो 19 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 19 में आपका रहेगा, यानी इसमें आपको एक कोई ट्रेंगल दिया गया पहले, और उस ट्रेंगल का माने मैंने नाम लिख दिया, एक बार एबीसी नाम लिख दिया, और उसके जो तीनों वेर्टिक्स है ना वो आपके पास क्या रहे हैं, यानी एक तो उसका वेर्टिक्स है वो तो आ रहा है वन एंड माइनस वन आ रहा है, दूसरा आ रहा है इसका जीरो एंड फोर, एंड थ्री इसका रहा माइनस फाइव एंड थ्री। ये देखो इसके तीनों हो गए वेर्टिक्सेज। अब यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, आपको लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि मीडियन आखिर होती क्या है, किसको आप मीडियन कहते हो। देखो अगर मीडियन की बात करें ना, तो मीडियन का मतलब होता है किसी भी वेर्टेक्स को ओपोजिट साइड के मिड पॉइंट से अगर आप ज्वाइन करते हो ना, जैसे मान लो डी क्या है इस बी सी का मिड पॉइंट है, तब ये ए डी क्या कहलाएगी, इसकी मीडियन कहलाएगी। हमें इस एक तो ए डी की लेंथ निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले डी पॉइंट के क्या चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए, और डी क्या बी सी का मिड पॉइंट है, तो फर्स्ट वी हैव फाइंड मिड पॉइंट ऑफ बी सी यानी कोऑर्डिनेट डी, देयर आफ्टर फाइंड डिस्टेंस ए डी बाई पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना। इसी तरह बाद में आप क्या करेंगे, ए सी का मिड पॉइंट ई प्राप्त करोगे, और फिर बाद में आपको ये बी फाइंड करनी है। इसी तरह आप ए बी का मिड पॉइंट क्या प्राप्त करेंगे, आप ए प्राप्त करेंगे,
और उसके बाद में आपको ये CA प्राप्त करनी है, मतलब ये तीनों मीडियंस आपको प्राप्त करनी है। तो देखो हम सबकी बारी बारी से भी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम AD के लिए बात करते हैं, तो D इसका क्या मिड पॉइंट है, तो पहले मैं D का कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट डी ऑफ AB, यानी जो AB का मिड पॉइंट D है उसके आप कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो x बराबर आएगा x1 + x2/2 और y बराबर आएगा y1 + y2/2। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी 0 - 5/2 y 4 + 3/2, तो ये आएगा माइनस का 5/2 और ये आएगा 7/2। मतलब आप यहाँ लिख सकते हो कितना, माइनस का 5/2 एंड 7/2। ये तो आपने पॉइंट्स जो डी था उसके आपने कोऑर्डिनेट वो फाइंड कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो पहले आप यहाँ लिख के दिखा दो इसको, यानी जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ डीज कितने आ गए, डीज आ गए -5/2 एंड 7/2। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी डिस्टेंस AD फाइंड करनी है। तो लिखा आपने डिस्टेंस AD बराबर, तो देखो वही आप डिस्टेंस वाला रूल लगाएंगे, x2 - x1² + y2 - y1²। अब देखो AD की हम बात करें भी यहाँ पर, तो मतलब ये तो मेरे पास है x1 y1, ये है x2 y2, तो माइनस के 5/2 -1² प्लस ये 7/2, ये -1 तो हो गया +1²। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आगे क्या आएगा, अब देखो इसको सोल्व करने पर आप को प्राप्त होगा कितना, -7/2। इसके अपोन मान के अपन आपको सोल्व करोगे ना तो 9/2 प्राप्त होगा। अब मेरे पास ये तो आ रहा है 49/4 और ये आ रहा है 89/4। अब इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे तो देखिए 130/4 प्राप्त हो गया आपको, और इसको ये देखो पूरा रूट में वैसे ठीक है ना अभी तक, तो रूट में 130 अपन में आप इसके 2 मान के इसको आप यूनिट्स कर सकते हो। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, जो डिस्टेंस AD थी वो आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो हम नेक्स्ट हम बी की बात कर रहे हैं, तो बी में पहले ई मिड पॉइंट किसका है, SC का है, तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, लिख दो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ई ऑफ SC, यानी AC के मिड पॉइंट ई के पहले आप क्या निकालें, कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो वही रूल आ गया आपका सेम, एक्स का तो हो गया x1 + x2/2 और वाई के लिए हो गया y1 + y2/2 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करने पर 1 - 5/2 आ रहा है और ये आपका आ रहा है -1 + 3/2, ये -k 4/2 है, ये +k 2/2 है, ये आएगा -2 और ये आएगा 1, तो आप यहाँ पर -2 और 1 कर सकते हो। तो मेरे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो ई है वो आगे कितने, -2, 1। लेकिन आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करके आपको तो ये डिस्टेंस बी निकालनी था ना, अब हम डिस्टेंस जो BE है वो फाइंड करेंगे। तो देखिए BE कैसे निकलेगी, तो देखो इसके लिए मैं इधर से थोड़ा सा मिटा दूँ इसको एक बार भी, तो यहाँ से देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं एक बार, तो मैंने लिख दिया यानी डिस्टेंस BE इक्वल, तो आपने लिख दिया यानी BE का मान निकालना भी आपको, तो वह डिस्टेंस वाला फॉर्मूला काम आया x1 y1 और x2 y2।
तो माइनस टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर है माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस फोर और ये प्लस नाइन, और मेरे पास आ रहा है रूट थर्टीन यूनिट्स आ रहे हैं, थर्टीन यूनिट्स। ये आपने भी बी प्राप्त कर लिया ना। अब देखो आपकी बस्ती है कौन सी, सी एफ बस्ती है, तो सी एफ के लिए पहले आपको एफ मिड पॉइंट ए बी उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट कौन सा, एफ, और एफ किसका है, ए बी का है, ए बी। तो ये देखो वही आपने मिड पॉइंट का रूल लगाया, यानी एक्स का मान तो हो गया एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू हो गया, और वाई के लिए हो गया वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। अब देखो यहाँ पर आएगा मेरे पास वन प्लस जीरो अपॉन टू, और यहाँ पर है माइनस वन प्लस फोर अपॉन टू। अब देखो जब इसको आप आगे सॉल्व करते, इसको बैठा दूं मैं ठीक ना एक बार। अब देखो इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो एक्स तो आ जाएगा आपका वन अपॉन टू, और ये प्लस थ्री अपॉन टू। ध्यान रखना ये कोऑर्डिनेट आपको कभी पॉइंटों में नहीं निकालने, ठीक है ना, इनको अपन तो अपन ही छोड़ दो इनको, ठीक है ना। और यहाँ पर आ रहा है वन अपॉन टू, और यहाँ पर आ रहा है थ्री अपॉन टू। अब निकाल लो आप, यानी सी एफ डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो वो डिस्टेंस वाला रूल लगाओगे, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो मान आ गया वन अपॉन टू माइनस, ये खुद माइनस का तो हो गया प्लस फाइव का होल स्क्वायर, फिर थ्री अपॉन टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो आएगा मेरे पास क्या, सेवन अपॉन टू आ जाएगा अभी प्लस, और यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस थ्री अपॉन टू आ जाएगी, क्योंकि थ्री अपॉन टू इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो यहाँ सिक्स घटेगा थ्री में से, ये बचेगा। अब ये तो आ रहा है फोर्टी नाइन अपॉन फोर, और ये आपके पास क्या देगा, नाइन अपॉन फोर आ जाएगा। अब देखो जब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो देखिए सोल्व करने पर आपके पास ये आएगा, तो देखिए सॉरी यहाँ पर ये प्लस फाइव था ना, तो यहाँ सेवन नहीं आएगा, इलेवन आएगा, ठीक है ना, इलेवन आएगा यहाँ पर, सॉरी भी। तो ये हो जाएगा आपका वन ट्वेंटी वन अपॉन फोर, ये थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखना मिस्टेक होगी, ठीक है। अब देखो इसको आगे सोल्व करोगे तो ये वन ट्वेंटी वन प्लस नाइन अपॉन फोर, यानी आपके पास कितना गया है, रूट में वन थर्टी अपॉन फोर, ये रूट के अंदर ये पूरा, और रूट में वन थर्टी अपॉन टू यूनिट्स आपको प्राप्त हो गई है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना था, तो आज हमने ये प्रश्न संख्या 18 और 19 के बारे में भी पढ़ा है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं उनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।